महीने की शिवरात्रि। कैसे महादेव करेंगे आपकी सभी इच्छाएं पूरी? कैसे शिव शंकर करेंगे भक्तों के सभी कष्ट दुख और दुर्भाग्य दूर? और कैसे सावन की शिवरात्रि पर बरसेगा धन अपार? इस्मा जंक्शन में आचार्य कमल नंदलाल से जान लीजिए कैसे बना है खास आज का दिन। नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी को शुभ प्रभात। मैं आपका मित्र, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल, आप सभी व्यूअर्स का, आप सभी दर्शकों का कुंडली टीवी के स्पेशल प्रोग्राम किस्मत जंक्शन में वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 यानी आज के विशेष से। आज थर्सडे का दिन है यानी कि गुरुवार का दिन है, तारीख 9 अगस्त 2018। इस दिन शिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। सावन महीने के कृष्ण पक्ष की प्रदोष व्यापनी चतुर्दशी के उपलक्ष में सावन महीने की शिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। चतुर्दशी अर्थात 14 तिथि के स्वामी स्वयं परमेश्वर शिव माने जाते हैं। शिवरात्रि शिव और शक्ति के मिलन का विशेष पर्व है। साल में 12 मासिक शिवरात्रियाँ मनाई जाती हैं यानी कि हर महीने एक अलग शिवरात्रि आती है, परंतु सावन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाने वाली शिवरात्रि, सावन की शिवरात्रि का जो पर्व है वो महादेव भोले शंकर को अति प्रिय है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शिवरात्रि पर्व वैदिक काल से ही मनाया जा रहा है। इस व्रत का और इस पर्व का पालन देवी लक्ष्मी, सरस्वती, गायत्री, सीता, पार्वती और रति ने विधिवत रूप से किया था। मान्यताओं के अनुसार शिवरात्रि शिव और शक्ति की ना सिर्फ विवाह की तिथि है, ये उनके मिलन का भी पर्व है। शिवरात्रि के प्रदोष काल में शंकर पार्वती का विवाह हुआ था। प्रदोष काल में महाशिवरात्रि तिथि में ज्योतिर्लिंगों का प्रादुर्भाव हुआ था और सबसे पहले ब्रह्मा और विष्णु ने महाशिवरात्रि पर शिवलिंग का पूजन किया था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार दिव्य ज्योतिर्लिंग का उद्भव चतुर्दशी तिथि को माना जाता है। वह महाशिवरात्रि को शिव उत्पत्ति के रूप में मनाया जाता है। मध्यरात्रि के दौरान किए जाने वाले शिवरात्रि पूजन को निशिता काल कहते हैं। संध्या के समय किए जाने वाले शिवरात्रि पूजन को प्रदोष काल कहते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सावन में की जाने वाली कावड़ यात्रा समुद्र के मंथन से संबंधित है। समुद्र मंथन के दौरान महादेव ने विषपान किया था जिसे वो नीलकंठ कहलाए थे, परंतु महादेव विष के प्रभाव से ग्रसित हो गए थे। त्रेता युग में रावण ने गंगा जल से कावड़ लाकर यानी कि गंगा नदी का कावड़ लाकर पवित्र गंगा जल महादेव पर अर्पित किया था। इस प्रकार विष की नकारात्मक ऊर्जा महादेव पर से दूर हो गई थी। सावन शिवरात्रि व्रत में शिवलिंग के साथ संपूर्ण शिव परिवार का पूजन किया जाता है। सावन शिवरात्रि का पूजन व्रत व उपाय करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, हर मुश्किल काम आसानी से हो जाता है और सदा निरोगी रहने का आशीर्वाद देते हैं महादेव। तो चलिए अब आपको बताते हैं आज की स्पेशल पूजन विधि के बारे में। शिवालय जाएं, शिवलिंग का विधिवत पूजन करें। सबसे पहले जल से अभिषेक करें, उसके बाद दूध से अभिषेक करें, घी से अभिषेक करें, शहद से अभिषेक करें, फिर पंचामृत से अभिषेक करें और उसके बाद में घी में केसर मिलाकर दीपक करें, चंदन की धूप दें, पीले चंदन से तिलक करें, पीले फूल चढ़ाएं और केसर की खीर का भोग लगाएं तथा केले का फलहार चढ़ाएं और रुद्राक्ष की माला से 108 बार इस विशेष मंत्र का जाप जरूर करें। पूजा कंप्लीट होने के बाद में भोग प्रसाद स्वरूप सभी में वितरित करें, क्योंकि महाभोग है महाशिवरात्रि का, सावन शिवरात्रि का। और स्पेशल मंत्र है ओम नीलकंठाय नमः। और स्पेशल मुहूर्त रहेगा शाम को 5:35 से लेके 6:35। तो चलिए अब बात करते हैं कि आज कौन सा स्पेशल टाइम आपको अच्छी हेल्थ दे सकता है, कौन सा मुहूर्त दिला सकता है लव लाइफ में सक्सेस, बिजनेस में सक्सेस और कोर्ट केस में भी सक्सेस। कौन सा टाइम बेस्ट रहेगा मुकदमे दायर करके फैसले अपने पक्ष में लाने के लिए, विवाद सुलझाने के लिए, धन लाभ के लिए, प्रॉपर्टी के सौदों के लिए, नई डील्स साइन करने के लिए। तो चलिए जानते हैं किस्मत जंक्शन के कौन से प्लेटफॉर्म पर
कब पहुंचेगी आपके शुभ मुहूर्त की सुपर एक्सप्रेस। किसी को अगर प्रपोज कर रहे हैं और किसी को अपने दिले हाल बयां करना चाहते हैं तो उसके लिए बेस्ट टाइम रहेगा सुबह 10:46 से लेकर 12:27। अगर आज को टू व्हीलर या फोर व्हीलर गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो वाहन खरीदने के लिए बेस्ट टाइम रहेगा दोपहर को 12:27 से 2:09 तक। अगर आज कोई नया कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं या कोई नींव रखवाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बेस्ट टाइम रहेगा सुबह 9:05 से लेकर 10:46 तक। अगर आप बेबी की डिलीवरी या सिजेरियन कराने की सोच रही हैं तो इसके लिए अच्छा टाइम रहेगा दोपहर को 12:27 से लेकर 2:09 तक। अगर आज आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने बेचने की सोच रहे हैं तो बयाना लेने और देने के लिए शुभ मुहूर्त जो रहेगा वो रहेगा सुबह 10:46 से लेकर 12:27 तक। अगर आज आप शेयर बाज़ार या कमोडिटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसके लिए लकी टाइम रहेगा दोपहर को 12:27 से लेकर 2:09 तक। अगर आज कोई कोर्ट कचहरी का मामला जिसमें आप दरख्वास्त देने की सोच रहे हैं तो उसके लिए शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 10:46 से लेकर 12:27 तक। अगर आज आप चांदी या सोने की ज्वेलरी खरीदने की सोच रहे हैं तो उसके लिए बेस्ट टाइम रहेगा शाम को 7:12 से लेकर 8:31 तक। अगर आज कोई नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए अच्छा टाइम रहेगा दोपहर को 12:27 से 2:09 तक। अगर आज आप फाइनेंशियल लेन देन करना चाहते हैं तो उसके लिए बेस्ट टाइम रहेगा शाम को 7:12 से लेकर 8:31 तक। तो चलिए बात करते हैं उन पहलुओं की जो लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मगर सच मानिएगा इसके बिना लाइफ का कोई मतलब ही नहीं है। तो हम आपको किस्मत जंक्शन के इस सेगमेंट उपाय चमत्कार में बताएंगे कि कैसे पाएंगे आप गुड लक से गुड हेल्थ, कैसे टलेगा विवाद और कैसे होगा हानि से बचाव, कैसे मिलेगा आर्थिक प्रोफेशनल और बिजनेस में लाभ और कैसे फैमिली और मैरिड लाइफ में सक्सेस पाएंगे आप, कैसे एजुकेशन और लव लाइफ में रह सकते हैं सुखी। जान लीजिए किस्मत जंक्शन का ये प्लेटफॉर्म लाइफ के हर मोड़ पर देगा सक्सेस का उपहार। गुड हेल्थ के लिए शिवलिंग पर चढ़ा शहद खाएं, गुड लक के लिए शिवलिंग पर चढ़े चना पीले कपड़े में बांध कर रख दीजिए, विवाद टालने के लिए शिवलिंग पर पपीता चढ़ाकर गरीब बच्चों में बांटे, नुकसान से बचने के लिए शिवलिंग पर पीपल के पत्तों की माला चढ़ाएं, प्रोफेशनल सक्सेस के लिए शिवलिंग पर चढ़ी मौली कलाई पर बंधवाएं, एजुकेशन में सक्सेस के लिए शिवलिंग पर चढ़ा गोल्डन रंग का पेन इस्तेमाल करें, बिजनेस में सफलता के लिए नमः शिवाय बोलते हुए वर्क प्लेस की तिजोरी पर हल्दी से तिलक कर दीजिए, पारिवारिक खुशहाली के लिए पूजा घर में बैठकर शिव चालीसा का पाठ कीजिए, लव लाइफ में सक्सेस के लिए शिवलिंग पर चढ़ा पीला फूल अपने लवर को भेंट कीजिए, मैरिड लाइफ में सक्सेस के लिए शिवालय में शंकर पार्वती का गठबंधन करवाइए। तो फ्रेंड्स किस्मत जंक्शन में बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक को लेकर जिसमें हम निकालेंगे आपकी प्रॉब्लम्स का सलूशन और बताएंगे किस्मत जंक्शन के किस प्लेटफॉर्म पर आएगी आपकी सफलता की। तब तक देखते रहिए कुंडली टीवी और कमल नंदलाल को इजाजत दीजिए, नमस्कार। और एक खास बात और, इस प्रोग्राम के बाद आपका राशिफल प्रोग्राम जरूर देखिएगा कुंडली टीवी पर, यूट्यूब पे भी और फेसबुक पे। नमस्कार।